बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों के लिए एक नया अपडेट है। जीएफएमएस पोर्टल पर 2024-25 पर अतिथि शिक्षक भाई और बहनों की ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जो नवीन कैंडिडेट के रूप में स्कूलों का आवंटन होना है, उसमें यहां पर बहुत ज्यादा समय लग रहा है और हर दिन नए नए अपडेट आपको देखने को मिलेगा। एक नया अपडेट आपकी आईडी के अंदर आया हुआ है, एक नया मेनू ऐड किया गया है जिसके माध्यम से आप अपनी कंप्लीट जानकारी को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे और उस नवीन मेनू के माध्यम से जो ऐड किया गया है उसमें से आप अपनी प्रोफाइल की जानकारी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सिंपल सा जीएफएमएस पोर्टल पर आपको आना है और लॉगिन वाला यहाँ पर ये बटन आपको मिलेगा राइट साइड में, यहाँ पर ओके करना है। यहाँ पर जब कर लेंगे तो ओके करने के बाद आपको सिंपल सा अपनी जो आईडी है यानी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पर यूजर नेम के रूप में और अपना जो पासवर्ड है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको लॉगिन का ये ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पर आपको ओके कर देना है। इसको ओके करने के बाद आप अपनी आईडी के अंदर चले जाएंगे। आप अपनी आईडी के अंदर जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पर दो तरह के तीन लाइन के मेनू दिखते हैं। एक तो ये वाला मेनू होता है और दूसरा यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला तीन लाइन का मेनू होता है। तो दोनों से अलग अलग काम होते हैं। जो स्कूलों का चॉइस वगैरह फिल करना होता है तो आप यहां पर इस वाले मेनू का उपयोग करके जैसे ही ओके करेंगे आपको लेफ्ट साइड इधर जो है कई सारे विकल्प देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो नया अपडेट यहां पर दिया गया है उसको देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, प्रिंट करने के लिए आपको इस वाले मेनू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको यहाँ पर स्कोर कार्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं जहाँ से आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करते थे। तो यहाँ पर आपको ओके करना है। यहाँ पर आप जैसे ही ओके करेंगे स्कोर कार्ड वाले में तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्कोर कार्ड आता था, स्कोर कार्ड वाले में आप ओके करते थे और ओके करने के बाद सेकंड नंबर आपको डाउनलोड स्कोर कार्ड का ऑप्शन दिखाई देता था। इसमें आप जब ओके करते हैं तो आपका स्कोर कार्ड आपके सामने प्रिंट करने के लिए आ जाता था। उसमें जो भी अपडेट थे आप यहां से डाउनलोड कर सकते थे, देख सकते थे। लेकिन अब इस वाले ऑप्शन पर एक नया यहाँ पर मेनू ऐड किया गया है, उसका नाम है प्रिंट माई प्रोफाइल का। ये प्रिंट माई प्रोफाइल पहले भी आप देख सकते थे चेक माई स्टेटस के माध्यम से, लेकिन उसको प्रिंट करने का ऑप्शन वहाँ पर नहीं था। अब यहाँ पर ये जो नया अपडेट है इसमें आप ओके करेंगे तो इस वाले में जब आप ओके करेंगे प्रिंट माई प्रोफाइल में, प्रिंट माई प्रोफाइल में जब ओके करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल यानी अभी तक आपने जो अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया है कुछ इस तरह से निकल के आपके सामने आ जाएगा और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से रहेगा, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन अतिथि शिक्षक प्रोफाइल सत्र 2024-25। हालांकि इसका क्या उपयोग होने वाला है यह आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि इसमें एक रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है जो आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। तो हम रेफरेंस नंबर दिखाने से पहले बता दें ये जो जानकारियां हैं ये बहुत ही यहां पर परिवर्तनीय हैं। अभी जो है बहुत लोगों के जो जानकारियां हैं वह गलत शो हो रही होगी, लेकिन परेशान नहीं होता है। अतिथि शिक्षक जो हैं जल्दबाजी बहुत करते हैं, थोड़ा सा धैर्य भी रखना है। अभी उनको पर्याप्त समय मिलेगा स्कूलों के आवंटन से पहले। तो इस तरह से जब आ जाएगा और आपकी डिटेल यहां पर आपके सामने शो होने लगेगी, कुछ इस तरह से ये पूरी डिटेल शो होगी यहां पर आप देख सकते हैं। और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर देख सकते हैं ये वाला जो है यहां पर ये रेफरेंस नंबर एक ऑप्शन यहां पर ऐड किया गया है। इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप तमाम तरह की जानकारियों को देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर अपने स्कोर कार्ड में जैसे मान लीजिए आपने ये
टीटी स्कोर है वो यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। स्कोर कार्ड ही समझिए, लेकिन स्कोर कार्ड में केवल लिमिटेड जानकारियाँ होती हैं और इस वाले में जो जरूरी चीजें हैं जो जो ऐड कराए गए हैं अतिथियों के अभी तक के, वह यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपका एमपी टेट शिक्षक भर्ती पात्रता क्लियर है तो यहाँ पर उसके 30 नंबर जुड़ के आएंगे, और अगर आपने पढ़ाया है अतिथि शिक्षक के रूप में तो आपको यहाँ पर उसके अनुभव के अंक भी जुड़ के आएंगे और यहाँ पर आपको टोटल स्कोर अपना देखने को मिलेगा। पहले वर्ग एक का आता था ऊपर, लेकिन अब वर्ग एक का आएगा नीचे और वर्ग तीन का आएगा ऊपर, यानी वर्ग 3, 2, 1 इस तरह से अब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी करंट ज्वाइनिंग के बारे में भी यहाँ पर जानकारियाँ मिलेंगी। वर्तमान ज्वाइनिंग डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा विवरण के रूप में। अब पिछले साल अगर आपने काम किया है तो आपको उसकी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। इसके साथ ही आपने जेपीएमएस पोर्टल के माध्यम से कितना भुगतान की राशि किस शैक्षणिक सत्र में लिया है, यहाँ पर उसकी जानकारी भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। मुझे उम्मीद है जानकारी अभी नई है, ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो अपनी आईडी पर जा करके इस जानकारी का लोड करके प्रिंट रख लें या अपने मोबाइल पर पीडीएफ लोड कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। धन्यवाद।